तो जब ये दौरान चल रहा था, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम, उनकी कोच बताते हैं कि अभिनव दुगनी या तिगनी मेहनत करते थे, यूज्ड टू वर्कआउट अ लॉट, यूज्ड टू प्ले अ लॉट, यूज्ड टू फोकस ऑन द गेम अ लॉट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्पोर्ट्स स्टेज वेयर वी जस्ट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। सो रिसेंटली वी सॉ द मैच बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस, जिसमें गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटन्स वॉन दिस मैच बाय 55 रन्स। बट गुजरात तो बहुत बार मैच जीत चुका है, बट इस मैच में क्या नया देखने को मिला? सो वी सॉ अभिनव मनोहर, हु स्कोर्ड 42 रन्स इन 21 बॉल्स विद 3 fours, 3 sixes एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 200। सर, मुंबई इंडियंस एंड गुजरात टाइटन्स दोनों ही बहुत अच्छी साइड है। गुजरात टाइटन्स डिफेंडिंग चैंपियंस है, वेयर एज मुंबई इंडियंस 5 बार IPL जीत चुके हैं। Video, I will talk about Abhinav Manohar and tell you why was his innings so special and so amazing. So if you like my content, please like my videos, share with your friends and subscribe to my channel. So इस कहानी की शुरुआत करते हैं IPL की ऑक्शन से। So IPL की ऑक्शन में अभिनव मनोहर के लिए बहुत टीम्स ने बिड करा, but finally bid गुजरात टाइटन्स ने जीती and they signed अभिनव मनोहर for a price of 2.6 crore rupees. So 2.6 crore rupees for a new player in IPL is really amazing. And initially Abhinav Manohar ka IPL mein record acha nahi raha hai. Inhone sirf 108 run mare hain 8 matches ke andar, which is not at all a very high performing season for you. Inki average sirf 13.5 ki hai. So you can feel what pressure he was in when he came to that innings. Now the amazing part which I found was he was in such a pressure when he came for this innings, and he came against a strong opposition like Mumbai Indians and batted against the toughest bowler in the team as of now, which is Piyush Chawla, jinhone 7 match mein 11 wicket liye hain with an economy of 7.11. so that shows that Piyush Chawla is in tremendous form in this IPL. so ab is match ke bare mein thodi detail mein baat karte hain. Abhinav Manohar 13th over mein batting karne hain jab Gujarat ne 4 wicket kho diye the apne. उन्होंने शुरू में 4 से 5 बॉलें ली सेटल होने के लिए, बट देन केम द 15th ओवर। अब 15th ओवर बॉल करा पीयूष चावला ने। अब उस ओवर से पहले पूरा मोमेंटम मुंबई इंडियंस के पास था, बिकॉज रिसेंटली विकेट आउट हुआ था एंड बोथ द बैट्समैन ऑन द क्रीज वर इन प्रेशर, एंड पीयूष चावला अभी तक मुंबई के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर रहे हैं। एंड दिस ओवर अभिनव मनोहर एंड हिज टीममेट मैनेज टू स्कोर 17 रन्स इन दैट पर्टिकुलर ओवर। अब इस 17 रन से क्या हुआ, पूरा मोमेंटम मुंबई इंडियंस से शिफ्ट होके गुजरात टाइटंस की तरफ आ गया। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इस इनिंग्स को इतना स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ। सो व्हेन वी जज इनिंग्स, जब मैं इनिंग्स को जज करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन बॉय, सो आई जस्ट डोंट सी कि एक प्लेयर ने कितने रन मारे। मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लेयर किस सर्कमस्टांसिस में बैटिंग कर रहा है। अब सर्कमस्टांस भी दो तरह की हो सकती हैं, एक तो टीम सर्कमस्टांसिस है कि टीम बहुत प्रेशर में खेल रही है, आपकी बहुत विकेट्स चली गई हैं, एंड दूसरी चीज़ है पर्सनल सर्कमस्टांसिस। अब पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या है कि आपने खुद ही अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, आप खुद ही अच्छे रन नहीं मार पा रहे हो, आप खुद ही अच्छी बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही मॉरली बहुत लो हो। द सेकेंड थिंग इज कि आपका ओपोनेंट क्या है, आप किसके अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, इज ही और इज शी और इज दैट टीम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप किस बॉलिंग लाइनअप के सामने खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग अगेंस्ट अ रियली प्रीमियम बॉलिंग लाइनअप और यू प्लेइंग अगेंस्ट अ सब स्टैंडर्ड बॉलिंग लाइनअप। जब मैंने ये इनिंग्स देखी अभिनव मनोहर की, मुझे लगा कि इस इनिंग्स ने तीनों बॉक्सेस को टिक करा है। पहली बात है सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस की। सो जब वो खेलने आए 13th ओवर में खेलने आए तो 100 रन थे, जो बहुत कम रन नहीं है, और 4 विकेट गिर गई थी, तो ऐसी बहुत ज़्यादा विकेट नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल सिचुएशन सर्कमस्टांसिस बहुत डिफरेंट थे। उन्होंने पिछले 7 से 8 मैच में बहुत कम रन स्कोर करे थे, जिसकी वजह से वो एक सेल्फ डाउट एंड सेल्फ प्रेशर में खुद भी होंगे। सो फॉर मी बिग थिंग वॉज दैट ही मैनेज टू ओवरकम द सिचुएशन। द सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट। सो एज वी नो कि मुंबई इंडियंस इज द टफेस्ट साइड टू प्ले अगेंस्ट, स्पेशली वेन यू हैव रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इन द ओपोनेंट टीम, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, बिकॉज रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जल्दी बैट्समैन को रीड कर लेते हैं। सो एक नया बैट्समैन को आके रन बनाना बिकम्स रियली डिफिकल्ट,
एंड द थर्ड एस्पेक्ट और द थर्ड पैरामीटर इज द बॉलिंग लाइनअप. सो आई थिंक मुंबई इंडियंस का बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है एंड दे माइट बी हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन दिस IPL एंड स्पेशली पीयूष चावला जिन्होंने इस IPL में बहुत अच्छा खेला है. सो टू परफॉर्म रियली वेल अगेंस्ट दिस क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट एंड दिस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग लाइनअप इज वॉज रियली अमेजिंग फॉर मी. सो वेन आई सी इनिंग्स लाइक दिस फ्रॉम अ प्लेयर लाइक अभिनव मनोहर मेरे को लगता है कि ये प्लेयर कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है. ही हैज सच हाई बिलीव्स इन हिज एबिलिटी टू वेल एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट अदर प्लेयर्स अदर यंग पीपल हु कमिंग अप एंड एस्पायरिंग टू बी अ क्रिकेटर और एनी अदर एथलीट शो लुक इन टू की टू कम एट दैट स्टेज यू नीड टू हैव द मेंटल एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज योर सेल्फ टू हैंडल दैट प्रेशर एंड स्टिल कम आउट विक्टोरियस. सो ये तो बात हो गई कि अभिनव ने इस मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करा. बट नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट हिज बैकग्राउंड. सो अभिनव के फादर मिस्टर मनोहर एक क्रिकेट कोच के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. तो उन्होंने बोला क्या मेरे बच्चे को अपनी अकेडमी में भर्ती कर लेंगे. तो कोच सेड यस ओके कर लेंगे. तो इनिशियली अभिनव को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट नहीं था. इट वॉज नॉट समथिंग कि उन्होंने खुद जाके उनका खुद मन करा खेलने का उसने खेलना स्टार्ट करा. जस्ट बिकॉज हिज फादर गॉट हिम एडमिटेड टू अ क्रिकेट अकेडमी ही वॉज प्लेइंग इट. सो अभिनव के फादर का एक बिजनेस था कमर्शियल शू शॉप थी इन बैंगलोर. सो थोड़े टाइम के बाद वो बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा था. सो द फैमिली वॉज इन अ लिटिल बिट और क्वाइट सम फाइनेंशियल स्ट्रेस. तो जब ये दौरान चल रहा था उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम उनके कोच बताते हैं कि अभिनव दुगनी या तिगनी मेहनत करते थे. ही यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट ही यूज्ड टू प्ले अ लॉट ही यूज्ड टू फोकस ऑन अ गेम अ लॉट. अब ये चीज़ मैं अभिनव के बारे में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ इनके इस इनिंग में भी डिपेक्ट होती है. दैट ही इज़ अ मैन जो डिफिकल्ट सिचुएशन में ही ट्राइज टू वर्क हार्ड एंड मेक थिंग्स गो राइट. जब उनकी पर्सनल लाइफ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस था जो उनके फादर का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी उससे अपनी फैमिली को बाहर निकालने के लिए. नाउ अगेन इन दिस IPL ड्यूरेशन जब उनका फेज अच्छा नहीं चल रहा था ही माइट हैव रियली वर्कड हार्ड टू स्कोर दोज रन्स. तो दिस रियली शोज द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन दैट हाउ स्ट्रांग ही इज मेंटली एंड आई एम श्योर इफ ही कीप्स ऑन प्लेइंग एंड शोज दैट मेंटल स्ट्रेंथ आई थिंक ही डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट टू द इंडियन टीम. सो व्हेन आई वॉज रिसर्चिंग टू मेक दिस वीडियो ऑन अभिनव मनोहर आई गॉट टू नो टू और थ्री वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज अभिनव को इनिशियली ओबेसिटी इश्यूज थे मतलब ही वॉज ओवर वेट उनका वेट बहुत ज़्यादा था उस समय. बट टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने वो सारा वेट शट आउट करा एंड विच ऑल्सो डिपेक्ट्स इट्स रियली हिज डेडिकेशन टू प्ले स्पोर्ट एट द हाइएस्ट लेवल. अ लॉट ऑफ प्लेयर अ लॉट ऑफ पीपल नॉट प्लेयर्स बट लॉट ऑफ पीपल वुड हैव गिवन अप ऑन स्पोर्ट्स थिंकिंग दैट कि मैं ओबीज हूँ आई एम ओवर वेट आई कैन नॉट प्ले वेल. बट ही ओवरकम दैट चैलेंज एज वेल. उन्होंने कहा कि मैं वेट कम करूंगा बिकॉज आई नीड टू प्ले क्रिकेट. द सेकेंड थिंग इज कि 5-6 साल पहले अभिनव मनोहर ने मुंबई इंडियंस के लिए अपना ट्रायल दिया था जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आज मुंबई इंडियंस अगेंस्ट उन्होंने अपनी सबसे अच्छी इनिंग्स खेली IPL की. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ये मेरा ओपिनियन है अभिनव मनोहर के बारे में. इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस गाय प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Please don't forget to like this video, share with your friends, and subscribe to my channel.